तो ये सारे हो जाएंगे फॉर्म पे। तो भाई अपना टम्पू चल पड़ा है, मतलब अभी तो बाइक चला है, तो वो भी चल पड़ेगा। पापा ने भी क्रिएशन करा थोड़ा बहुत। कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रुचित पंगाला। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। एक दिन लेट है ये व्लॉग, बट कोई ना, आपके लिए वर्थ होगा। हमारे मानू डोन आ गया है, सो आपसे मिलाता हूँ मैं मानू डोन को। बट उससे पहले एक बार सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट आ रहा है यार, क्वालिटी बढ़ रही है कंटेंट की, तो सब्सक्राइब तो बनता है, और कर रखा है तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, ठीक है। दोस्तों सुबह सुबह के टाइम है, 7 बजे है, हाथ और मैं लेके जा रहा हूँ भाई, लेके जा रहा हूँ। मानू सो रही है, अभी उसको उठाएंगे और फिर उसको सरप्राइज देते हैं। देखो उसको पता तो है कि कौन ही है, बट वो रात को आई थी और रात को बहुत लेट हो गया था, तो मैंने भी ऊपर वाला गेट नहीं खोला था, हम सो ही गए थे। सो भी जस्ट सुबह हुई है और कोनी को पापा घुमाने ले गए और यहाँ पे थोर है, थोर को मैं लेके जाऊंगा। ये 24 घंटे सोती रहती है, अरे इसकी भी गलती नहीं है, लेट आई थी। मानू उठ जा बहन, आजा तेरे को एक चीज दिखाऊंगा, आजा। फुल मस्ती में हो रहा है, अभी जाना नहीं है, रुक जा। मानू भी आ गया। मानू तुझे पता हमारे घर में एक डॉग है, वो तो अभी बात है, तुझे पता होगा कौन से मिली है तू। इसको क्या हो गया, चौंक क्यों गया मेरे को देख के। कौन से मिली है तू। मैंने नहीं दिया। रात को यार वो ही क्या हुआ, ये लेट आई थी और ये मैंने गेट नहीं खोला, मैं सो जा यार, सुबह मिल लियो। कोनी भी आ गई और वहां हमारे डॉग्स भौंक रहे हैं दूसरे वाले हैं। खुशी हो गई है तभी तो ये सबसे ऐसे मिलती है भाई। देख कैसे कर रही है, देख। तो दोनों बात सुनते हैं और ना मानो के साथ अब देखना क्या करवाता हूँ मैं। देख देख ओए। ये दोनों देखो कैसे खड़े हैं, दोनों गले मिल रहे हैं। मानू देख रही है प्यार इनमें। लोगों के भी डॉग्स के या कैट्स के दांतों में प्लाक आ गया होगा या फिर टार्टर आ गया होगा, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया इलाज है। वैसे तो हम ट्रेडिशनली क्या करते हैं, डॉग्स का टूथपेस्ट और टूथब्रश लेके आते हैं, फिर ऐसे करते रहते हैं, तो उसमें उनको ना मजा नहीं आता। और क्या होता है कि कई बार डॉग्स वो करवाना पसंद भी नहीं करते। पेटविट की डेंटल वाइप्स है ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है भाई। मैंने आज से पहले कोई भी ऐसे वाइप्स देखी नहीं थी जो डॉग्स के प्लाक और टार्टर को हटा देती है। आपने कुछ नहीं करना, बस ये वाइप्स लेनी और उससे सिर्फ उसके उनके टीथ्स को आपने वाइप कर देना है। ये टॉक्सिन फ्री है, पेट फ्रेंडली है, वीगन प्रोडक्ट है ये, और इसके अंदर पेपरमिंट ऑयल है, इसके अंदर मेंथोल और सिट्रिक एसिड भी है, और सबसे बढ़िया बात स्मेल होती है, वो फ्रेश फील करते हैं वो। बेसिक सी बात यह है कि अगर आप ब्रश से अगर उनके दांत साफ करोगे ना तो वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है, और कई बार ब्रश उनकी गम पे लग जाता है तो वो इरिटेट से हो जाते हैं। इसमें कुछ नहीं है, वाइप्स निकालो और आप उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन कर दो दांत को, जैसे मैं अब कर रहा हूँ थोर का। सो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी इसका नहीं। हमारे पास एक सेकेंड प्रोडक्ट भी है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये है ईट वाइप्स। इसके अंदर क्या इश्यू होता था, आप लोगों के डॉग्स पे कई बार जैसे मॉस्किटो बैठ जाते हैं या फिर ना टिक्स हो जाते हैं, इसकी वजह से ना उनकी स्किन पे जहां ये बैठते हैं तो ब्लड वगैरह सक कर देते हैं, उसकी वजह से वहां पे इरिटेशन ही हो जाती है। सो उस इरिटेशन को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो डॉग्स अपनी बॉडी पे ना वो पंजे मार मार के वहां जख्म कर देता है, वुंड बना देता है। सो उस चीज को रिलीफ देने के लिए पेटवेट ने ईट वाइप्स निकाल ली हुई है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, वाइप एक बार निकालनी है, मैकेनिज्म ये रहा, और ऐसे वाइप निकालनी है और इस वाइप से उस पर्टिकुलर जगह पे आपने बस उसको इस वाइप से साफ कर देना है। इसके अंदर ये पैराबीन फ्री है, सल्फेट फ्री है और अल्कोहल फ्री है। सो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है भाई, पेट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ये वीगन प्रोडक्ट है। सो यू मस्ट ट्राई दिस प्रोडक्ट, इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
जरूर वहां से आप एक बार बाय करो, ट्राई करना। माता जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मम्मी बहुत ज्यादा लेट हो रही है, सो मम्मी को स्कूल जाना। मैं स्कूल का टाइम हो गया अभी मेरा। ये बीच में ब्रेकर आ गया था। ब्रेकर भैया क्या हुआ? अरे हेलो, एडवांस में लेट कर दे मैंने। एडवांस फिर आप क्यों कर रहे हो मुझे? लेट होगी मैं, लेट होगी। सुबह टाइम हो गया। हमारे सुबह की यही रूटीन रहती है भाई, सुबह की हमेशा यही रूटीन रहती है, भाग 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 भाग, क्योंकि पापा भी वर्किंग, मम्मी भी वर्किंग, अब मैं भी थोड़ा सा वर्किंग, थोड़ा सा तो होना स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। सो मानदान नाच के दिखा मानू। आप लोग पूछ रहे होंगे फ्रिज यहाँ कैसे आया। सो मम्मी ये वाला फ्रिज जाएगा फार्म हाउस पे। अब हमारे फार्म हाउस पे भी एक प्रॉपर फ्रिज होगा, आप लोग आओगे ना तो ठंडा ठंडा पानी पिलाएंगे आपको, है ना मानू? हाँ, कोल्ड ड्रिंक हम पीते नहीं तो वो नहीं पिलाएंगे, बाकी मानू मदीरा सेवन करती है वो पिला देंगे। जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग। सही है, फ्रिज अब जाएगा अपने वहां पे। तो भाई ये हो गया कि शिफ्ट कर लिया हमने, हमें नया लेना ही था वहां के लिए, सो घर के लिए नया ले लिया और ये वाला वहां चला गया। ये देखो इसके अंदर ना ट्विन कूलिंग वगैरह है, और ये बड़ा फ्रिज है उससे, ये ना ऊपर वाला जो फ्रीजर है ये फ्रिज भी बन जाता है, और नीचे वाला तो फ्रिज है ही। पापा मम्मी नीचे वाला फ्रीजर भी बन जाता है क्या? मानू को मैंने कहा कि बहन तेरे को 1000 रुपए दे देगा वो महीने के, तू मेरी कैमरा मैन बन जा, सब मानू मान गई है। ठीक है बहन, कॉन्ट्रैक्ट चलो। अरे देखिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे सो रहा है। सो गाइस अब सारी शिफ्टिंग वगैरह दिखाएंगे आपको, बहुत सारी चीजें लेके जानी है। अपना फ्रिज हो गया, और एक ये वाला, ये जाएगी इसमें फूड डलेगा, ये जाएगा, ये सारे गमले जाएंगे, सारे लगभग सारे। और गाइस अपने एक्वेरियम जाएगा, ये एक्वेरियम जाएगा, ये भी जाएगा। ये दो नए स्टोन्स ले गए मैं एक्वास्केपिंग के लिए, एंटी क्लोरिन, ये अपना हैंगोन फिल्टर आ गया, और अपनी ये लाइट पड़ी है वो भी आ गई है। सो ये वाला टैंक जल्दी बनने वाला है, सो चेकआउट करना पेंडोवेस्टी का ऑफिशियल चैनल। जूम करके दिखा। तो पापा जी आ गए हैं। पापा जी केजीज का क्या सीन है? केजीज अभी पेंट ऑन लग रहे भाई, हमारे केज वाले भी आने ना कहा था, सिर्फ 2 दिन भाई, 2 दिन में आ जाएंगे। आज 6ठा दिन है, 5वां पापा, 8वां दिन आज 8वां दिन है, और आज भी पूरे नहीं होंगे क्योंकि पेंट चल रहा है, तो पेंटर ने कहा है कि कल पूरे हो जाएंगे, सो कल लग जाने चाहिए होपफुली, फिंगर क्रॉस्ड। सो मैंने कहा था ना कि ये लेके जाना है, तो ये साफ हो रहे हैं, सारा निकाल दिया सामान इसमें से, ये जाएगा। और हमने ये टैंक्स एक्वेरियम्स के लिए ना अंकल पत्थर लेके आए हैं, तो ये वाले पत्थर यूज होंगे अपने एक्वास्केपिंग के अंदर, जो एक्वेरियम्स होंगे उनमें, सो वो वाले पत्थर अंकल लेके आए थे मेरे लिए, और मैंने उनसे और मंगाए, वो बड़े साइज के लेके आए, ये रिवर टाइप टैंक बन सकता है, इसमें छोटे साइज के और मंगाए। दोस्तों सिद्धार्थ आ गया भाई, और गमले कई सारे हमने नीचे रख दिए हैं, प्लांट पॉट, गमले नहीं। सो ये रख दिए, पर भाई हमारी हालत थोड़ी सी बिगड़ सी है, आपको दिखा देते कि कितने रख दिए तो आप समझ जाओगे। भाई यहाँ पे होते थे पौधे बहुत सारे, इधर भी होते थे, इधर भी होते थे, ये 3 रह रहे हैं, इधर भी होते थे, इधर बीच में भी होता था, ये गमला नहीं है, ये सिद्धार्थ है, इधर भी होते थे, तो ये सारे हमने बिल्कुल नीचे रखे हुए। देखो पौधे पौधे दिख रहे हैं ना, कैनोपी दिखा दी मैंने इनको ऊपर से। नाइस। सो दोस्तों अभी एक बार ये और नीचे रख दे, उसके बाद भाई ये कूलर भी जाएगा, मैंने कूलर नहीं दिखाया था, ये कूलर भी जाएगा, और एक पिलंग भी जाएगा फोल्डिंग, एसी भी जाएगा, बट एसी अभी नहीं लेके जा रहे, एसी जब फिट करेंगे तब ले जाएंगे, वहां रखा रहेगा फिर अच्छा ही लगेगा। भाई साहब मजदूरी करूँ क्या? करो भाई करो, ऐसे ऐसे करके उठा के लेके गए हम, और कैमरा बंद करके तू भी लिया भाई, इतने सारे पौधे लेके जाने हैं, और अभी तो एक और आएगा, और ऊपर 6 छोड़ दिए वो नहीं लेके जाते, बहुत सारे हो गए यार, वो लेके आ रहा तो 14 पौधे ये और हो गए, और ये बड़े साइज के हैं, जो अपने फार्म पे लगे हैं वहाँ पे 20 पौधे पहले से लगे हुए, बट वो छोटे छोटे साइज के थे, ये बड़े दिखने लगेंगे। और इसमें ये वाला देखो कितना सुंदर कलर है,
सो ये सारे और जाएंगे फार्म पे। ये देखो मेहनत देखो, 14 पौधे हो गए अब अपने, बाकी बचे हुए पड़े रहने दो। तो दोस्तों सारा सामान नीचे रख दिया है, ये चेयर, वो पीछे बोर्ड, पापा जा रहे हैं टेम्पू लेने, और ये देखो फ्रिज भी आ गया नीचे। ये सारा जितना सामान दिख रहा है ना आपको, सारा लेके जाएंगे। यो आ गया भाई, ये टेम्पू आ गया। सो भाई अपना टेम्पू चल पड़ा है, मतलब अभी तो बाइक चला है, टेम्पू भी चल पड़ेगा। सो दोस्तों ये कैबिनेट आ गया, इसके ऊपर अपना एक एक्वेरियम आएगा, और अभी और चीजें दिखा सकता मैं, जब बनेगी तब दिखाऊंगा। ये फ्रिज भी आ गया यहाँ पे, और बाकी बाहर दिखा देते हैं आपको। ये देखो भाई पूरे गमले गमले, और है पापा। तो आप लोगों के लिए मैं बाहर आया हूँ और दिखाता हूँ आपको व्यू। ये देखो भाई पापा ने रिक्रिएशन करा थोड़ा बहुत। हाँ। देखो भाई कैसा लग रहा है, गजब। ये देखो भाई, ये देखो, और एक इसको भी ध्यान देना भाई, ये पापा हटना एक सेकंड, यहाँ से देखो भाई व्यू। वाह भाई वाह, कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा, टॉप का लगा होगा, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अभी तो और बहुत चीजें होनी है यहाँ पे, होनी है ना पापा, गजब गजब। चलो मोहित कैसी लगी भाई, मोहित तो आते कहता है कल भेजूंगा पापा को। कल अंकल को और बुलाएंगे, अंकल देखेंगे, अंकल का भी मन मोहित हो जाएगा। चलो इसी के साथ इस प्यारे से ब्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो एक लाइक कर देना। आप सब लोगों के लिए एक एनिमल हाउस बन रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है पेट डाइवर्सिटी फार्म। जिस जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो भाई एक बार चेकआउट करना, 2-3 वीडियोस हमने डाल ली उसकी कंस्ट्रक्शन की, और कल तो हमने उसे बहुत बढ़िया बना दिया है, जो कि आज आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। सो आगे आगे वो बस 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर वो बेस्ट बन जाएगा, और फिर आपको दिखाएंगे अब आपको। चलो